गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग बच्चों कैसे हैं आप लोग हाउ आर यू एंड हाउ इज योर स्टडी अगेन होप इट्स वेल सो हाउस मुझे सब बच्चे बताएंगे वाशु जूली सबिया सचिन उषा बंटी राखी अंकिता नीलम वीना वेरी गुड इवनिंग बच्चों तो बताइए एग्जाम कैसा था क्या बच्चों हमने जो क्वेश्चंस यहाँ पे किए थे वो आपको मिले उन्होंने आपकी हेल्प की या फिर कैसा रहा मुझे बताइए एक बार एज आई है पेपर मुझे तो अच्छा फील हुआ है बच्चों बस आपसे पूछना बाकी है कि आपने कैसा एनालिसिस किया है हाउ डू फाइंड दैट हां जी तो बच्चों पेपर आपको कैसा लगा मुझे एक बार बताइए सब लोग ओके okay, बहुत अच्छा था बहुत अच्छे हाँ मुझे भेज दिया था कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही है पीडीएफ सेंड बिल्कुल राखी आपने पीडीएफ सेंड कर दी बिल्कुल सही है ठीक है भी ना आपका डीएसएसबी का है बट नो प्रॉब्लम क्वेश्चन यही रहने हैं समझ लेना <laughs> अच्छा फराज समझ में नहीं आया ओके okay, कोई बात नहीं है तो बच्चों अगर मैं कहूं आपसे कि पेपर बहुत आसान था तो ऐसा नहीं था इट वॉज गुड यानी अगर हम टोटल बात देखें करने में इजी पेपर बट लग रहा है कि शायद गलत हो गया वो तो होता है फरा डज नॉट मैटर हमें शुरू में बिल्कुल हम तो वो करके आते हैं जो सबसे बेस्ट है तो हमारे अकॉर्डिंग वो सही होता ही है बच्चों लेकिन क्या होता है कि उसमें गलतियां होती हैं है ना बाद में हमें हाँ, हैं कर रहे हैं अगर मैं बच्चों आपको तो मतलब आप कोटेशंस आप अच्छा का को तो काफी नई हैं न्यू कोटेशंस आर देयर ऐसा नहीं कि उन्होंने पीछे से उठा के लेकिन हाँ क्वेश्चन काफी रिपीट भी हुए हैं है ना गर्ल्स के देखें बच्चों मिल्टन के देखें अगर हम शेक्सपियर के प्ले को देखें तो कई सारे क्वेश्चन को आ, हमने देखा यहां पे कि पर रिपीट हुए हैं प्रीवियस में आए हुए हैं तो आप याद रखना कि यही चीजें उन बच्चों के लिए हैं जो डीएसएसबी में होने जा रहे हैं अभी PGT का भी एग्जाम है वेरी सोन आ, आ, आपके आ, जो एडमिट कार्ड है वो बच्चों आ गए हैं यूपी पीजीटी वाले और डीएसएसबी का वन एंड हाफ मंथ अब तो टेन डेज और कम हो गए हैं तो वे बच्चे भी ध्यान रखें कि हम कैसे इस पे वर्क कर सकते हैं ऐसा ही आपका स्टैंडर्ड रहना है बच्चों लिटरेचर ऐसी आनी है ऐसी ही आपकी मिसस्पेल्ट आनी है ऐसी आपकी एरर्स आनी है तो मेन जो पार्ट होगा आपको सिलेक्शन दिलाने वाला वो यही इंग्लिश का पार्ट होगा इधर भी राइट right, बच्चों तो चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चंस कैसे कैसे थे जैसे सब बच्चे देखें ये क्वेश्चन नंबर वन हमने देखा यहां पे अभी मैं आपको बता दू आई हैोन थ्रू दिस डीपली बट कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे ले लिया है हाँ सबिया जूनियर एडिट के लिए बेटा इनको करते जाओ जो आपको इसमें करवाया है यही जो का आने वाला है समझ लेना आप कब आया ये आज ही आया फरा यूपी पीजीटी का बच्चों आज ही जैसे एग्जाम हुआ है उसके बाद में उन्होंने अपलोड कर दिया है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं डीएसएसबी प्राइमरी का अभी तो नीलम टीजीटी ती वाली बात है टीजीटी ती का आपका आगे है डेट थर्टीन एंड फोर्टीन सेप्टेंबर विमल मैंने एग्जाम ये वाला नहीं दिया है हाँ जी ठीक है बच्चों जी गुड इवनिंग रीना तो चलो बच्चों बताओ इसमें क्या आंसर बनेगा आपका एनी शोर्ट कंपोजिशन इन प्रोज देखो क्या क्या लिखा है आपका एनी शोर्ट कंपोजिशन इन प्रोज ये प्रोज है पी आर ओ एसई प्रोज दैट अंडरटेक्स तो प्रोज होने का मीनस एक बना यहां पे प्रोज होने का मीनस है कि बच्चों आप ओड इसमें से हटा देंगे तो क्या बचेगा बायोग्राफी एस और ऑटोबायोग्राफी ठीक है क्योंकि यही प्रोज में होते हैं आपको पता है नीचे वाला पोएट्री में है अंडरटेक्स टू डिस्कस इन तीनों में से क्या बनेगा सी ऑटोबायोग्राफी ओके अंश गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सब बच्चे आंसर करें देखो क्या लिखा है बहुत ध्यान से देखेंगे हाँ बिल्कुल सही है ज्योति जूली राखी एग्जैक्टली exactly. एश् बनेगा ना बच्चों देखो यहां पे पर्सनल कोई भी बात नहीं हुई ना तो किसी की लाइफ की अगर लाइफ की बात हो जाए लाइफ की बात हो जाए तो यही बच्चों क्या बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी बन जाएगा लेकिन अभी ये क्या है खाली एश् बन गया तो आंसर आपका बी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखो क्या लिखा है विच वर्क बीन कॉल्ड शेक्सपियर एज द फर्स्ट ये बच्चों कितनी बार ये तीन से चार बार क्वेश्चन आपने किया था सेम क्वेश्चन यू हैड डन टू टाइम्स इन योर इन दिस वीडियोज तो बच्चों देखो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका सी

इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामाज विच प्ले वॉज ऑमिटेड इनमें से कौन सा प्ले ऑमिट किया गया था बच्चों आपको याद है हमने तीन इनकी पर्टिकुलर यू नो लाइन बना के देखी थी कि किस किस में कौन कौन सा है हिस्ट्री कौन सी है और बच्चों उनकी कॉमेडीज कौन सी हैं और उनकी ट्रेजिडीज uh, कौन कौन सी हैं तो बताओ क्या बनेगा मैकबेथ पेरिकल्स मिडसमर नाइट्स या टाइटस एंड्रोनिकस बताइए बच्चों

है ना किए थे देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज इन विच कैटेगरी ऑफ वेरोना आपको बच्चों ने इसको पूरा कराया था था हमने ये भी बताया था आपको तो अर्ली कॉमेडीज है मेच्योर कॉमेडीज है सोम्बर प्लेज है, है या बच्चों लास्ट प्लेज है क्या आंसर करेंगे इसका टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना स्मार्ट स्टडी ओके सीमा ए कह रही है ठीक है early comedies d okay last please बताइए बच्चों देखो बच्चों अगर इसको हम देखेंगे तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हमारे ए में आएंगे है ना अभी इसका प्रोबेबल जो आंसर है वो क्या है अर्ली कॉमेडीज बाकी हमने टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना पे कई सारे क्वेश्चंस देखे थे थोड़ा सा बदल के आ गया है एग्जैक्टली exactly. अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अबाउट ऑटोबायोग्राफी क्या लिखा है नोट करेक्ट तो आपको नोट पे फोकस करना है ऑटोबायोग्राफी को बच्चों आप जानते हैं ऑटोबायो कैन नेवर बी कनेक्टेड नैरेटिव ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ एज रिटन बाई द बाई दैट पर्सन बिल्कुल ठीक है ऑटोबायोग्राफी वही होती है मेमोज डील एट लीस्ट पार्ट विद इवेंट नॉट पर्सन इज अदर देन द ऑथर इज रिकॉर्ड ऑफ इज रिकॉर्ड ऑफ ऑथर्स लाइफ सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी इज अ डिवाइस ऑफ यूज इन द तो बच्चों बताओ इसमें क्या बनेगा हां क्वेश्चन अच्छे आए थे मतलब अगर हम स्टडी किए हुए हैं तो हम उनको कर सकते थे जी बच्चों बताइए तो अगर इसका आंसर देखे तो बच्चों डी बनेगा ये जो देखो लिखा सिमुलेटेड सिमुलेटेड कैसी होती है जो मतलब एक तरह से लाइफ के अकॉर्डिंग बनाई गई हो मतलब आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ऑटोबायोग्राफी डिवाइस ऑफन यूज इन नॉवेल्स तो बच्चों ये कोई बात नहीं है डी इज द आंसर ये करेक्ट नहीं है यहां है होगा। अगला हम देखते हैं प्रेजिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर आया था देखो बच्चों गवर्नर वॉज अपॉइंटेड बताओ क्या बनेगा? Appointed का मतलब इसमें क्या है है, होने का बच्चों क्या डिड है और डिड किसमें बदलता है was was तो देखो was were, was, was, दोनों में, में, तो अपॉइंटेड ही प्रेसिडेंट द प्रेजिडेंट है ये क्या बना रखा है तो क्या आंसर बनाएंगे हां ठीक है ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेजिडेंट सी आंसर बन जाएगा करेक्ट हो गया हु वुड नोट लव हिज कंट्री एसर्टिव बनाना है बच्चों इसका हु वुड नोट लव हिज कंट्री एवरी वन वुड लव हिज कंट्री एवरी वन हार्डली एनी वन वुड लव सम पीपल मे नोट लव हिज कंट्री बताइए बच्चों क्या बनेगा हमें क्या करना है हु वुड नोट लव हिज कंट्री का एसर्टिव बिल्कुल सही है बच्चों एवरी वन वुड लव हिज कंट्री सिंपल सी बात है कल हमने इस तरह के क्वेश्चंस देखे भी थे बच्चों अगर आपको याद हो द लाइन दे ऑल्सो सर्व दे ऑल्सो सर्व हुनली स्टैंड एंड वेट कितनी बार बच्चों आपने पढ़ा है ओन इज ब्लाइंडनेस है ना 19 सोनेट नंबर 19 कितनी बार पढ़ा है मिल्टन करेक्ट बात है बच्चों लास्ट लाइन है ये भी आपको पता था रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एवर एंड मैन बताइए बच्चों किसने कहा एवर एंड मैन कॉलरेज ने डी क्वेंसी ने किड्स ने या बच्चों जॉनसन ने एक्जैक्टली exactly डी बनेगा बच्चों एस टी कॉलरेज इलेवन का सी डी क्वेंसी जहां तक मुझे याद है बच्चों ये कॉलरेज है है ना मैंने बहुत अभी मतलब वापस ध्यान से नहीं देखा है अभी क्योंकि इनको टाइप करने में टाइम लग गया सी ध्यान से बताओ देखो जहां तक मुझे याद आ रही है कॉलरेज होना चाहिए बाकी इसको देख लेंगे एक बार है ना चेक कर लेना है लिसेंडर इज अ कैरेक्टर बहुत बार पढ़ा है बच्चों आपने लिसेंडर अरेक्टर मिड समर नाइट ड्रीम याद आ रहा है आपको कि नहीं मिड समर नाइट्स ड्रीम अच्छा डी करेक्ट है जूली ठीक है बिल्कुल ठीक है ऑल राइट बच्चो तो डी करेक्ट है वहां पर रीना ए बिल्कुल सही है बच्चों अब देखो इसको विच फिगर ऑफ स्पीच वी सो इन फॉलोविंग बच्चों सेम लाइन हमने देखी थी डेफोडिल से है ना क्या है इसमें बताओ क्या है हाइपरबोल पनिया ट्रा, ट्रांसफर्ड एपिथेट बच्चों है ना कितना आसान सा पूछा है आपसे बी एग्जैक्टली exactly बच्चो ये हाइपरबोल है वर्ड्स वर्थ विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट ट्रू द टर्म नोवेल रेफर्स टू देखो नोवेल किसको बताती है प्रोज फिक्शन को प्रोज नेरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड अ प्लॉट बिल्कुल ठीक है ट्रीट इज ऑन करेंट सोशल फॉर देट इज ड्राइड फ्रॉम इटैलियन नोवेला तो बताओ बच्चो इसमें क्या करेक्ट क्या गलत है सॉरी टर्म रेफर्स नॉट ट्रू इसमें नॉट ट्रू नोट को हमें देखना है कौन सा इसमें गलत है बताइए आप लोग अगर हम नोवेल की बात करें बच्चों तो नोवेल प्रोज फिक्शन है कोई दिक्कत नहीं है प्रोज नेरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड अ प्लॉट बिल्कुल ठीक है ट्रीट ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम अच्छा ठीक है ज्योति ऑल राइट तो बच्चों इसका क्या होना चाहिए नोवेल में तो हम देखें प्रोज है फिक्शन है नोवेल प्रोज हैविंग कैरेक्टर्स एंड ये भी सही है ट्रीटीज़ ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम भी करेक्ट है जरा इस वर्ड को देखेंगे इटैलियन नोवेला क्या ये सही है बच्चों या गलत है जहां तक मुझे लग रहा है इसी में ही प्रॉब्लम होनी चाहिए इटैलियन नोवेला है ना बाकी तो सब सही है इसमें अच्छा अच्छा उस तरह से गलत कर दिया है तो बच्चों इसमें जहां तक लग रहा है हमें डी आंसर होना चाहिए है ना इटालियन नोवेला इसमें करेक्ट नहीं लग रहा है अब इसको देखो लेप मीन सॉफ्ट लिडियन एयर्स मैरिड टू इमोर्टल सच अंग सोल मे पियर्स माई गॉड ये तो हमने लाइन देखी नहीं बच्चों को अभी भी आई हैवेंट गोन थ्रू दिस लाइन इन नॉट्स विद मेनी वाइंडिंग अबाउट लाइन एपियस इन क्या बच्चों आपने देखा है किस में आती है लेप मीन सॉफ्ट लिडियन एयर्स मैरिड टू इमोर्टल वर्स हाँ जी नो no आइडिया अच्छा कुछ बच्चों ने देखा अभी तक या नहीं देखा मैंने भी इसको नहीं देखा है अभी तक जी भावना अच्छा एल एलिग्रो ठीक है चलो इस क्वेश्चन को सब बच्चे बताएं जरा उस पर गूगल पे डाल के देखें वेरी नाइस क्वेश्चन लेपमिन सॉफ्ट लिडियन अब देखो बच्चों ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ध्यान रखो कुछ क्वेश्चन वाकई ऐसे आते हैं जिनका हमें बिल्कुल नहीं पता होता वी आर नोट श्योर अबाउट दैम है ना ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन हमें सिर्फ भटकाने वाले होते हैं डेविएट करने वाले होते हैं डेविएट तो ऐसे सिर्फ हमें डेविएट करते हैं चलो ठीक है अंशुल आपने देखा भावना क्या आपने देखा है कि ये एल एलई ग्रोह है लिस्डेस होना चाहिए नहीं हैज एनी वन गॉन थ्रू इट और नॉट ठीक है बच्चों इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे बाकी इसको एल एलिग्रो लेके चलते हैं ज्यादातर बच्चे इसको बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे कुक्सन देखो कुक्सन इज अ कैरेक्टर इन ये किसमें है जस्टिस में मैकबैथ में बच्चों एरियोपेगेटिका में या इट like में कहां पे देखेंगे आप कुक्सन इज अ कैरेक्टर इन वेयर डू यू फाइंड द कैरेक्टर कुक्सन जस्टिस में याद आ रहा है बच्चों ये भी क्वेश्चन आपने किया था दिस क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी डन जस्टिस वुड बी देयर ठीक है जी तो आंसर हमारा जस्टिस होगा अच्छा भावना गूगल से चेक किया था इसका मीन्स आपने एल एलिक्रो चलो ठीक है फिर ठीक है तो बच्चों पिछले वाले का आंसर एल एलिक्रो ही है डी आंसर है ये गूगल से चेक हो चुका है ठीक है जी अगला देखेंगे विच ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू अबाउट क्लोजेड ड्रामा बच्चों क्लोजेड ड्रामा मैंने कई बार बताया था आपको पॉकेट ड्रामा भी कहते हैं इसको है ना क्लोजेड ड्रामा भी पोएटिक प्ले भी कहते हैं पोएटिक ड्रामा भी कहते हैं इसके कई सारे नेम हैं तो इट इज अ ड्रामा फुल ऑफ ट्रिचरी एंड इंटरेक्स क्लॉजेड ड्रामा अ क्लोजेड ड्रामा एसेंशियली हैज डबल प्लॉट्स क्लॉजेड ड्रामा इज इंटेंडेड टू देखो ट्रू कह रहा है वो नॉट नहीं कह रहा है ज इन द थियेटर बस एक ही चीज याद रखनी थी तो सी बनेगा बच्चों ठीक है सविया ऑल राइट तो बच्चों सत्रह का क्या बनेगा सी है ना जैसे द बोर्डर्स द बोर्डर्स जब भी मैंने बताया बच्चों आपको the borders, ये words -word का था तो उसमें हमेशा बताया कि यह क्लोजेड ड्रामा है और यह प्ले नहीं होता है स्टेज पे खाली पढ़ा जाता है याद आ रहा है बच्चों आपको होप के आपको याद आ रहा है बहुत बढ़िया से नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटर्न द लाइन हमने नहीं देखी थी अचानक से सामने आई है ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में लिया जाएगा बट ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है गलत का मतलब है सॉरी गलत नहीं होनी चाहिए वैसे तो बट अगर छूट जाए तो नो no प्रॉब्लम क्योंकि सबके लिए नहीं होंगे बच्चों हाँ जी ये बच्चों विलियम शेक्सपियर का है विलियम शेक्सपियर वुड बी द राइट आंसर गेटिंग एवरी वन तो करेक्ट आंसर मस्ट बी एटीन का सी ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है राइट right बच्चों बाकी सब बच्चे चेक करेंगे लेकिन तो अगर हम देखें तो सी आंसर आइडेंटिफाई द एरर इन द पार्ट क्या दिया है यहां पे कंसीडर फोर ऑप्शंस है ना अच्छा सेंटेंस को कंप्लीट करना है फिफ्टीन माइल्स आर लॉन्ग वे टू वो तो बताओ बच्चों कहां पे गलती है फिफ्टीन माइल्स आर लॉन्ग वे बताइए क्या आंसर आएगा बच्चों अगर हम इसमें देखें exactly, आएगा? आएगा, चल रही थी उसमें हमने ड्रामेटिस्ट जोन गेल्स बिलोंग टू देखो बच्चों जो का त्यों आपने किया हुआ था, याद आ आपका क्लास में आपने किए थे मतलब मैं कहूं तो कम से कम कम से कम सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने क्लास में किए हुए थे हाँ जी बताओ बच्चों क्या बनेगा आंसर जॉन बिलोंग टू सी बहुत अच्छे ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड किनेर जो का तीनों बच्चों क्वेश्चन किया हुआ था यानी जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन की थी प्रैक्टिस की थी बच्चों वो हंड्रेड परसेंट प्लस में रहे होंगे ये बात पक्का है मतलब तो मेरा मानना ये है कि वे बच्चे प्लस में रहे होंगे स्टोरी इन वर्स देखो क्या लिखा स्टोरी इन वर्स और प्रोस विद डबल मीनिंग बहुत बार बच्चों बताया गया था क्या सटायर है एलिग्री आयरनी या फेबल है बताइए बच्चों जी बिल्कुल ठीक है यस नीलम रीना किरण सब बच्चे लगातार थे जा रही है यहां पर अंजू हां जी सी बिल्कुल सी बच्चों सी कह रहे हो एलिग्री कह रहे हो एक मिनट स्टोरी स्टोरी है ना स्टोरी और वर्स और प्रोज डबल मीनिंग पॉपुलरली नॉन एज बच्चों इक्कीस का सी कैसे कह रहे हो आप एक मिनट एक मिनट आयरनी जो है आपकी आयरनी है आपका फिगर ऑफ स्पीच मेरी बात समझ रहे हैं सब बच्चे आयरनी फिगर स्पीच अलंकार है ये तो बताया गया था आपको जबकि एलिग्री जो होती है मतलब जिसे कहते हैं हम सिंबोलिकल रिप्रेजेंटेशन तो वर्ष में हो प्रोज में हो डबल मीनिंग उसका होगा तभी तो उसको कहते हैं एलिग्री हम तो ये बच्चों एलिगरी बनेगा ना कि आयरनी याद आ गया आयरनी में आयरनी में उल्टा मीनिंग होता है डबल मीनिंग नहीं होता उल्टा मीनिंग होता है बच्चों वर्ड्स का समझ में आ गया सब बच्चों को तो एलिगरी बनेगा इसका आंसर देखो गॉथिक नॉवल्स डिनोट्स किसको डिनोट करते हैं मेडिवल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन बीन सेट टू द एजेस ग्लोमी कास्टी नॉवेल फुल ऑफ मिस्ट्रीज मॉडर्न एज टॉप एक्सोटिक बताइए बच्चों क्या बनेगा आंसर बी आंसर होगा ठीक है ट्वेंटी टू का बी और बताइए बच्चों सब लोग देखो बच्चों, गॉथिक नोवेल बेसिकली टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच द मिडिल ऑफन सफेस्ट विद ग्लूमी कास्ट बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहां पे ब्लड शेड थंडर एटसेट्रा होते थे है ना तो आंसर हम इसमें बी रखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट नरिशन इंटू इनडायरेक्ट नरिशन राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज तो कैसे बनाएंगे राम सेड विथ जोई दैट वॉज दैट वॉज अ लवली फ्लावर विथ जॉय दैट अ लवली फ्लावर वॉज क्या बनाएंगे बच्चों बताइए देखो अगर हम इसको देखें सबसे बेस्ट क्या बनेगा बच्चों सेड है तो एक एक्सक्लेम्ब बन जाता है राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय राम एक्सक्लेम्ड विद दैट वाज अ लवली फ्लावर हाउ लवली थिन फ्लावर हाउ लवली द फ्लावर इज हाउ से नहीं आएगा

विच आर दो फॉलोइंग नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एस एस ए के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है ये कह रहा है बच्चों ट्रीटीज और एस एस फ्रॉम ट्रीटीज और डेजर्टेशन इन इन इट्स लैक ऑफ प्रेजेंटेशन टू बी सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट एक्सपो एक्सपोजिशन है ना बच्चों एस ए प्राइमरी डिस्क सब्जेक्ट इन नॉन टेक्निकल फैशन

अगले क्वेश्चन पे आते हैं द फर्स्ट फोलियो द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर वॉज एडिटेड बाई बताओ किसने बच्चों हेमिंग एंड निकोलस उडाल कॉन्डेल याडेल बताएंगे सब बच्चे ये हमने क्वेश्चन नहीं किया था ये सोच के टीजीटी में नहीं आएगा बट ये क्वेश्चन हमारे पास था बच्चों एग्जैक्टली डी बनेगा हेमिंस एंड कॉन्डेल ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर बताओ बच्चों कौन सा मच अबाउट नथिंग टेम्पेस्ट सिंबेलिन या फिर विंटर स्टेल कौन सा आएगा इनमें से कौन सा इनमें से लास्ट फेज को तो क्या आंसर करेंगे बच्चों आप इसमें बी टेम्पेस्ट ए ऑल राइट ऑल राइट आंसर करते रहे सब बच्चे क्या डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ भाई भी लास्ट में लास्ट में है अगर हम इसमें देखें बच्चे विंटर स्टेल से लेके सब फर्स्ट फोलियो में आते हैं हमें मच एड अबाउट नथिंग की कंडीशन लग रही है मच एड अबाउट नथिंग है ना ये लास्ट फेज में आता है डज नॉट बिलोंग लास्ट फेज में नहीं आता है ठीक है जी

ड्रेमेटिक मोनोलॉग कितना अच्छा क्वेश्चन है ड्रेमेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स अ सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ सेवरल स्पीकर टॉकिंग ऑन वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू इमेजिनेशन ऑडियो द सिंगल डायलॉग इन द बताओ क्या बनेगा बच्चों ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या आता है देखो बच्चों मोनो मोनो को देखेंगे तो वन लॉक का मीन से एक पर्सन का बोला गया और वो भी ड्रामेटिक है तो इसका मतलब क्या बना बच्चे सी और ए में कंफ्यूज है सिंगल स्पीकिंग टॉकिंग टू हिमसेल्फ सब बच्चे ध्यान से देखेंगे टॉकिंग टू वन सेल्फ की कंडीशन बनेगी वन सेल्फ ए आंसर आपका जाएगा बच्चों यहां पर हिमसेल्फ है ना ऐसा सपोज किया जाता है कि वो हिमसेल्फ से बातें बा मोनोलॉग है अपनी दिल की बातों को सामने रखता है लेकिन किसी और के लिए नहीं हाँ ठीक है बच्चों ए विलियम वर्ड्स पर सोलिटरी पर कितनी बार अपने यहां बच्चों किया था ये क्वेश्चन देखो जरा कितना बढ़िया क्वेश्चन है रिपीट हुआ क्वेश्चन है आपका गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड है ना का मैंने बताया था लेस का मीन किससे होता है बच्चों लड़की से होता है गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड बहुत बार क्वेश्चन आपने किया था नॉट रिटर्न बाई गर्ल्स वर्दी बताओ बच्चों एप्पल कार्ट बाकी तीनों इनके लिखे हुए हैं याद आ रहा है आपको एप्पल कार्ट हमने कभी नहीं देखा इनका वर्क बाकी तीनों देखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स पे फिल्थ लवर लोस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल हो बताओ बच्चों किसका है कॉमेडी ऑफ आइडिया मैनर्स प्रॉब्लम प्ले या बच्चों रोमांटिक कॉमेडी लव्स लेबर लॉस्ट हांजी एवरी वन नीड टू टेल तो क्या आंसर बच्चों होना चाहिए डी रोमांटिक कॉमेडी अरे वाह, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं लव्स लेबर लॉस्ट बच्चों ओके okay, कुछ बच्चे कॉमेडी ऑफ आइडियाज मैनर्स भी करें देखो आइडियाज की तो बात ही नहीं है, गलत हो गया। play, loves, labor, हो सकता है बट कॉमेडी ऑफ मैनर्स रोमांटिक कॉमेडी में इसको रखेंगे बच्चों किस में रखेंगे हम रोमांटिक कॉमेडी में हु फॉलोइंग रिटन द नोमेज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल देखो बच्चों किसको माना जाता है आंसर है बेकन ये हमने नहीं पढ़ा था अब देखो चार राइटर दिए हैं लेकिन पूछा उन्होंने जॉनसन भी है एडिशन भी है बेकन भी ब्राउन ही नहीं इतनी बातों बच्चों को समझना पड़ेगा सबको इसका मतलब हमें एजेस भी करनी होती है याद आ रहा है बच्चों आपको एजेस भी करनी होती है तो एपीग्रामेटिक स्टाइल किसका है बेकन का राइट बच्चों फाइंड आउट द सुटेबल प्रपोजिशन गिवन बिलो मॉल इज फेड अप विद यहां पर भरना है बच्चों आपको फेड अप विद होता है हमेशा मैं जब भी क्लास कराता हूं बच्चों जो भी क्लास आपकी पीड़ होती है उसमें हंड्रेड परसेंट इसको बताया जाता है फेड अप विद Many times I have told the students fed up with. Right, bachcho? Mark the part which is an error. Just error hai. These kind of apparel seems to be expensive, but it is relatively affordable to maintain. Batao kya galti hai? These kind of apparel seems to be. हाँ बच्चों विधेय बिल्कुल ठीक है इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर में क्या गलती है कहां पे गलती है बच्चों ए में गलती है देखो जहां तक मुझे याद है काइंड काइंडिस दिस, दिस काइंड होता है दिस काइंड ऑफ सीम्स टू बी तो दीज गलत है यहां पे अच्छा अनशुल करें दीज काइंड ऑफ काइंड होना चाहिए काइंड तो ए में गलती है बच्चों आपकी हाँ जी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिटर्न बाय जोन गेल्स वर्दी नॉट रिटर्न कह रहा है नॉट रिटर्न द थोन है बच्चों टी एच ओ आर एन लिखा है सेंट्स प्रोग्रेस फ्लावरिंग वाइल्ड स्वाइन सॉन्ग बताओ किस कौन सा नहीं है बच्चों हाँ दिस काइंड होना चाहिए एग्जैक्टली द थोन देखो जहां तक हां जी हाँ जी बच्चों बताइए गेल्स वर्दी के इनमें से कौन सा वर्क नहीं है एग्जैक्टली exactly, थोन जो है बच्चों वर्ड्स का है तो स्वैंसोंग सेंट्स प्रोग्रेस फ्लावरिंग ये सब दिखते हैं हमें किसके गेल्स वर्दी के थोन हमें नहीं दिखाई देता है राइट एवरी वन तो आंसर बी में जाएगा अब देखो जेको पोल ट्रेड्स जोनाथन हु कोल्ड शेक्सपियर जोनेसन फैक्टोरियम का जैको पोल्ट्रेट बताओ बच्चों मार्लो ने जॉनसन ने रॉबर्ट ग्रीन ने या फिर विलियम तो ये बच्चों सी बनेगा हमारा रॉबर्ट ग्रीन सब बच्चों को पता है इसका आंसर रॉबर्ट ग्रीन अगर हम पूरे कमेंट को देखेंगे तो बच्चों हमें आंसर मिल जाएगा ग्रीन यहां पे आंसर करेक्ट एवरीवन अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं हमने सारे पढ़े थे बट ये आ गया वहां पे कोई बात नहीं द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेन हैज इट्स फुल इंपैक्ट ऑन इंग्लिश ग्रामर इन तो बताओ बच्चों 15th में 16th में 18th में या 19th में देखो 19th में नहीं है 18th में नहीं है 16th में हम देखेंगे यानी कि मैं आपको बता दूं ये कब से शुरू होता है बच्चों हमने इसका टाइम भी देखा था रेनाइसेंस का रेनाइसेंस शुरू होता है बच्चों 1400 से 1558 तक जाता है बी आंसर 16th सेंचुरी हाँ, बिल्कुल सही है 15, uh, 14 से तो से 15 आएगा एंड 15 लेकिन दोनों में से देखना है तो है तो 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 बच्चों इसमें लिखा अगर देखेंगे वो 16 जाएगा बी आंसर होगा भाई फोर्टीन का मतलब है है का मतलब है, ये तो हो गया और ये हमारा 16 बन गया तो फुल इंपैक्ट हमें यहां पर मिलता है इसका सिक्सटीन आएगा बच्चों वर्क इज नोवलिटी बाई जोन गेल्स वर्दी बताओ कौन सा नॉवेलिटी है बच्चों फ्रीलैंड जॉसलिन या फोर्साइज सागा या फिर नन ऑफ हाँ जी बच्चों बताइए हाँ सिक्सटीन में फ्लोरिश होता है सीमा बिल्कुल ठीक है बस ऐसी ही गलत होती है समझ लो आप लोग तो बच्चों इनमें से नोवेलिटी कौन सा है फोर्थ साइड देखेंगे नोवेलिटी नहीं है बच्चों फ्रीलैंड और इसमें से देखेंगे दोनों में से ये थोड़ा सा एक बार बच्चों चेक करना पड़ेगा जॉसलिन और फ्रीलैंड में से जहां तक इसका आंसर हमें लग रहा है फोर्थ साइड सागा नहीं है इसका आंसर हमें बी लग रहा है बट इसको एक बार चेक करना पड़ेगा नोवेलिटी नाम से नोवेलिटी का होता है नोवेल से छोटी हो राइट right, बच्चो ऑफ अंडरलाइन वर्ड देखो इसमें क्या लिखा है को पूछा है देर वॉज अ ग्रेट राउंड ऑफ तो ग्रेट इससे सी तो पहले आ गया तो ये राउंड क्या बन जाएगा एडवर्ब का, का काम करेगा ठीक है जी मिनट एक मिनट एक रुको। अ ग्रेट राउंड ऑफ एप्लोज बच्चों क्या बनेगा बताइए राउंड ऑफ एप्लोज भाई इसको देखिए तो सीधी सी बात है लास्ट में कोई वर्ड नहीं है तो नाउन का ही काम करेगा क्योंकि इससे पहले क्या रहा आ रहा है एडजेक्टिव आ रहा है है ना किसी और को फ्लॉप आंसर इसका हमारा नाउन बनेगा ए मस्ट बी द आंसर ठीक है बच्चों? करेक्ट आंसर मस्ट बी ए अब देखो फोर साइड्स आगा फोर साइड्स बिलोंग्स टू ये आपने किया था बच्चों यू हैड डन दिस क्वेश्चन कंट्री साइड फैमिली टिपिकल फैमिली इमेजनरी आईलैंड तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ए ये भी क्वेश्चन बच्चों आपने किया था ठीक है जी सिटी फैमिली सिटी अ टिपिकल सिटी फैमिली सिटी फैमिली से बिलोंग करता है करेक्ट बात है आपका बी आंसर जाएगा अब देखो बच्चो फोर्टी क्वेश्चन थे आपके फोर्टी क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है बच्चों इतना वर्क हमने जितना देखा यानी सेवेंटी परसेंट जो मैं कह रहा हूं आपको आपको मिला इन क्लासेस से इन वीडियो से इस वर्क से ये बच्चों सिर्फ वन मंथ का वर्क था मेरी बात समझ पा रहे हैं एक्चुअली दिस एडवेंचर आई हेड स्टार्टेड जस्ट वन मंथ बिफोर एक महीने पहले यानी कि हमारी ऐसी कोई थर्टी फोर्टी के राउंड क्लासेस हुई होंगी समझ रहे हैं सब बच्चे नहीं ग्रेट है ग्रेट राउंड है वो बात सही है चांदनी एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कहां पे गए हम ये रहा ग्रेट एडजेक्टिव हो गया ना तो ये इस तरह से नाउन बन जाएगा बिल्कुल सीधी सी बात है बच्चों मेरी बात को सुनो अभी सिलेक्शन की बात नहीं करते मैं कह रहा हूं कि अगर हम इस वर्क को लगातार जारी रखें इफ वी कंटिन्यू इट तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि वी कैन डू दिस वंडर कि कोई भी नहीं रुकेगा यह बात हंड्रेड परसेंट है यानी कि अगर हम एक मंथ में इतना कर सकते कि सेवेंटी परसेंट आ जाए और वो भी प्रीवियस अगर इसको थोड़ा भी और एनालिसिस किया जाए एक्सप्लेन किया जाए हम वर्ड्स को क्वेश्चंस uh, को और थोड़ा सा डीप करके देखें तो बच्चों हम दो चार महीने में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं अगर हम ऐसी कैटेगरी में देखें नीतू जहां तक मुझे लग रहा है बच्चों मेरा एनालिसिस ये कहता है कि एट्टी क्वेश्चन जनरल के लिए सेफ है आप ये समझ लो एट्टी क्वेश्चन जनरल के लिए सेफ है इस पेपर में तो आप ये समझ लो कितना फर्क रह सकता है आप चेक कर सकते हैं इसको ठीक है नीलम ठीक है डन बच्चों जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि पीजीटी के लिए अच्छी तैयारी करा दीजिए कल से बच्चों डन है ये बात के पीजीटी के लिए आपकी क्लासेस कल से लगेंगी ठीक है तो सेवन ओ सब बच्चे आ रहे हैं सेवन ओ से शुरू करते हैं नहीं नहीं सीमा ऐसा हमें लगता है बेटा क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड इतना भी नहीं था कि हंड्रेड जाएगा आप लोग फिक्र मत करो देख लेना है ना चेक कर लेना इसको चलो अस्सी नहीं तो नब्बे पे पहुंच जाएगा बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा हंड्रेड परसेंट बात है पेपर आसान नहीं था ये समझ लो सब लोग ठीक है बच्चों तो चलिए आज ओवर करते हैं और इस चीज को कंटिन्यू करते हैं जो भी लिटरेरी लवर हैं वो सारे बच्चे यहां पे रहें और लगातार इसमें विजिट करते रहें है ना गैप नहीं करना है ये सोच के, के पेपर नहीं पेपर आपका पीजीटी का है उसके बाद में बच्चों डीएसएसबी का है और लगातार आते रहेंगे पेपर आप अपनी तैयारी जारी रखो पीजीटी की प्रिपरेशन बिल्कुल होगी फरा कल से हम शुरू कर रहे हैं कल सेवन ओ आपके पीजीटी के ही वर्क लगेंगे इस पर ठीक है जी ऑल राइट right, बच्चो है कुछ आइडिया दे दीजिए कैसे प्रिपेयर करें अच्छा फरा मैं आपको कल बताऊंगा बेटा इस बात को कल बताऊंगा सेवनटीन राइटर्स एक्सेट्रा लेके क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हमारा होने वाला है ऑल राइट बच्चो हैव अबाई कल मिलते हैं सेवन ओ और मॉर्निंग में आ जाए मैं बताता हूं बच्चों एक बात और बता देता हूं सबको ये बहुत जरूरी है मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि कई सारे वर्ड्स थे कई सारे वर्ड्स ऐसे थे हमारे जो हम यहां पे वर्ड्स में देख रहे थे और वो जो कि मिले हैं जैसे मिगर वाला वर्ड एम ई ए जी आर ई जिन बच्चों ने किया होगा वो जानते हैं ये हमारे स्पेशल वर्ड में था मिगर और बच्चों और भी कई सारे वर्ड्स थे जैसे वहां पे पूछे गए हैं वन वर्ड वगैरह मैं देख रहा हूं उनमें ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया लिटरेचर के बजाय लेकिन मिगर वर्ड वहां पे था और भी कई वर्ड थे जो आपके मिलेंगे नहीं अभी नहीं आए हैं नीतू अभी नहीं आए हैं डीएसएसबी के आपके लेट आएंगे यूपी पीजीटी के बच्चों आज अपलोड हो चुके हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है बच्चों सॉल डाइट मैं कहता हूं कि आप अपनी वोकेबलरी में आए मॉर्निंग में एट फिफ्टीन पे और इवनिंग में सेवन ओ मैं कहता हूं अगर ये दो ही चीजें हम लोग मिलकर चलाते रहे ना इससे ही हमारा काम हो जाएगा मतलब उसके अलावा आपको इधर उधर भागने की जरूरत भी नहीं है जस्ट बी पंक्चुअल इन द क्लासेस और इसे लाइव ही करें मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं लाइव क्लास में हंड्रेड परसेंट और इंपैक्ट है वो बाद में देखने में नहीं है प्रैक्टिस बुक के लिए चांदनी बेटा प्रैक्टिस बुक आप कोई से भी ले सकते हैं अरिहंत की ले लो आप आप यूथ की ले लो पब्लिकेशन की इनमें से कोई भी ले सकते हैं ठीक है ठीक है किरण थैंक यू सो मच अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ऑल राइट बच्चो कल मिलते हैं फिर थैंक यू सो मच बाय बाय